चलिए आगे बढ़ते हैं और अमित खुराना साहब का वेलकम करते हैं अपने शो पे, हेड ऑफ इक्विटी दौलत। खुराना साहब, आप जैकेट पहने हैं, लग रहा है आपको सर्दी लग रही है थोड़ी सी। बाजार में भी पैसे की गर्मी मिसिंग है कहीं ना कहीं, कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ा चैलेंजिंग मार्केट हो गया है। इंस्टीट्यूशनल सर्किल में बात करता हूँ, HNI में बात करूँ, रिटेल में बात करूँ, सभी कह रहे हैं कि इस साल पैसा कमाना बड़ा पेचीदा काम हो गया है। आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल, मुंबई में सर्दी नाम की जो नेम से जो एक चीज होती है उसको एंजॉय तो करना चाहिए, नाम की सही, कम से कम जैकेट पहन के हमें फील तो कर दिल्ली सकते को हैं याद कि कर लेते हैं। सो बाजार में देखिए 2022 का एक जो नैरेटिव बना था, 2023 बिल्कुल उससे उल्टा नैरेटिव बन रहा है, ऐसा हमारा मानना है। इन्फ्लेशन का जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था वो शायद उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन अब नया जो कंसर्न खड़ा हो रहा है वो है रिसेशन, कितना डीप, कितना शेलो और कितना शार्प होगा, ये सब आंकलन करने की हम सबकी कोशिश है, इन्वेस्टर्स की कोशिश है, हमारे क्लाइंट्स की कोशिश है। मेरा ऐसा मानना है कि अगले कुछ महीने ये बाजार आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा और इसीलिए बॉटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग का शायद अब ये समय है। निफ्टी इंडेक्स या बड़े इंडाइसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करने का हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा फोकस इस बात पे है कि जो बिजनेसेस, जो कंपनीज लास्ट ईयर इन्फ्लेशन की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट हुई थी, अब क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड बन सकता है, और अगर मैक्रो एनवायरनमेंट, कंज्यूमर सेंटिमेंट उतना खराब नहीं होता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ का रीजनिंग बन सकता है। तो इसलिए पहले दो क्वार्टर जो कि जैन टू मार्च और अप्रैल टू जून, हमारा ऐसा रिकमेंडेशन है ऑफिशियली कि बॉटम्स अप स्टोरीज पे फोकस करना चाहिए और इसलिए आपको जो अच्छे बिजनेसेस दिखते हैं उन्हें एक्युमुलेशन फेज में करना चाहिए, और हो सकता है कि ये एक ऐसा साल रहे जिसमें जो रिटर्न्स है वो बैकलोडेड रहे, ऐसा हमारा रिकमेंडेशन है। आप बाजार को 25 साल से देखते आए हैं, हम आज डेटा देख रहे थे पिछले 7 साल से इंडेक्स में, सेंसेक्स की बात करें तो हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया। आपने कहा कि जो पिछले साल का नैरेटिव वो इस साल बदल जाएगा। 2016 से मैं रिटर्न देख रहा था, 2013 में मोदी जी आए। इधर कुछ सालों में अगर हम इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट से बात, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, वो कहते हैं बाजार में, इंडियन मार्केट में पॉलिसी की बहुत सर्टेनिटी है, बहुत स्थिरता है। जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं, GST रिफॉर्म, दुनिया भर के रिफॉर्म जो लिए गए, दूसरा लोकल इन्वेस्टर जाग उठाए और वो पहले कभी ना हुआ इस तरह का फ्लोज बाजार में आ रहा है। इमर्जिंग मार्केट में सबसे सुपीरियर ग्रोथ हमें इंडिया में नज़र आ रही है और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा को लेकर जो सरकार का जो पुश है, इन सब को देखते हुए आपको क्या आपको लगता है कि ये जो पॉजिटिव रिटर्न्स का चला आ रहा है तांता, वो टूटेगा नहीं? 2023 में भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड भले ही हो, लेकिन टेलविंड्स इतनी ज़्यादा हैं कि एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास और बेंचमार्क से उम्मीद की जा सकती है। मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव रिटर्न्स का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करके सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न्स शायद उतना एक सेंटिमेंट वाइज बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि जो आप रिस्क लेते हैं इक्विटीज के लिए, जैसे अगर आपने पॉजिटिव रिटर्न्स की बात की, निफ्टी ने जरूर लास्ट कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव रिटर्न दिया लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न आया, लेकिन ये एक साइकिल होता है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया एज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी में जो आपने मैक्रो फैक्टर्स अभी गिनवाए, और एग्जैक्टली ये मेरा भी यही मानना है कि इंडिया मैक्रो फैक्टर्स पे इस समय शायद सबसे अच्छा प्लेस्ड है इमर्जिंग मार्केट्स में, इवन डेवलप्ड मार्केट्स में, और एक जो पॉलिसी की सर्टेनिटी जो कि सरकार ने दिखाई है पिछले कुछ सालों में, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप बाकी मार्केट्स देखेंगे तो वो 15-20%, कई मार्केट्स 30% भी गिरे हैं लास्ट ईयर, और हम +4%, 3.5-4% रेंज में रहे रुपी टर्म में, डॉलर रिटर्न्स में हमारा नेगेटिव रिटर्न था लेकिन बाकी मार्केट्स का परफॉर्मेंस इससे कहीं कहीं खराब था। तो ये सब उस बात का एक रिजल्ट है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का फ्लो रहा है, डोमेस्टिक मनी का जो एक कॉन्फिडेंस रहा है बाजार में, वो उसको होल्ड करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यहां से अब बिल्कुल पॉजिटिव रिटर्न इस साल का आएगा ऐसा मेरा मानना है, लेकिन कितना आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रिसेशन कितना डीप आएगा, कितना शैलो आएगा, या आएगा भी कि नहीं आएगा, बहुत सारे इसमें डेटा पॉइंट्स हमारे को देखने को मिलेंगे अगले 4-5 महीने में,
और उसके बेसिस पे एक बहुत बड़ा डिटरमिनेशन बनेगा कि सेकेंड हाफ में कितना पॉजिटिविटी हमें दिखाई देता है। मेरा ओवरऑल स्टैंड इस समय बाजार पे न्यूट्रल है, लेकिन अगर आप 12 महीने का व्यू लेंगे उससे पूछेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव रिटर्न्स का प्रोबेबिलिटी रीजनेबली हाई रहेगा। अगर आप रिसेशन को ही एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरा इसी पे ही एक क्वेश्चन है। मैं दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल कर सकता हूं सर। पहला, अगर रिसेशन आया तो फिर भारत में किस जगह पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, अगर रिसेशन नहीं आया तो फिर किस जगह पर ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। दोनों कंडीशन सर आपके लिए, आप इंडिपेंडेंट है, आपके पूरी छूट है। देखिए, रिसेशन अगर आता है तो ऑब्वियसली ग्लोबल सेक्टर्स पर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, जिसमें आईटी सर्विसेज, और ऐसा मेरा मानना है कि मिड कैप आईटी अभी भी एक रिच वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट के 15-16 महीनों में इन स्टॉक्स ने काफी करेक्शन लिया है, लेकिन अभी भी आप इनका वैल्यूएशन देखेंगे तो मिड 20s में चल रहा है, जो कि फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ जस्ट अबाउट डबल डिजिट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। तो ये एक सेक्टर हो सकता है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा अगर रिसेशन आएगा। सिमिलरली ग्लोबल सेक्टर्स में हम एक मेटल्स को गिनते हैं, उसपे काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर आपको याद हो तो 2020 एंड इनिशियल पार्ट ऑफ 2021 में भी मेटल्स ने बहुत बड़ी रैली दी थी। लास्ट के कुछ महीनों से ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइसिंग के गेन्स होते हैं एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग के, उसपे बहुत बड़ा एक नेगेटिविटी रहा है इन्फ्लेशन को लेकर। तो अगर रिसेशन आएगा तो इन सेक्टर्स में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड के कारण। अब अगर आप ये मान के चले कि रिसेशन बहुत एग्रेसिव नहीं आता है और बहुत शार्प रिसेशन नहीं होता और एक एक नॉमिनल सा एक इम्पैक्ट पड़ता है ग्रोथ पे, तो ये दोनों सेक्टर्स पे फिर अदर वे राउंड भी हम आर्गुमेंट कर सकते हैं। अब ये हो गया रिसेशन से अलग, मतलब जो इम्पैक्ट आएगा रिसेशन होने पर या ना होने पर, लेकिन ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो रिसेशन होने पर या ना होने पर भी डोमेस्टिक कंजम्पशन के बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रोथ स्टोरी दिखा सकते हैं, तो उन सेक्टर्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। सो मिक्स ऑफ दोनों सिनेरियोस लेके इन्वेस्टर्स को अपना पैसा एलोकेट करने का प्लान करना चाहिए। अमित, आगे सेक्टर स्पेसिफिक ही अप्रोच आपका जानेंगे और प्राइवेट बैंक सेक्टर पर आपके आउटलुक क्या है वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इंडसइंड बैंक के नतीजों के अनुमान क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग में लगातार जिस तरह से हम एक के बाद एक नंबर्स देख रहे हैं, रिजल्ट्स देख रहे हैं, चाहे फिर छोटी मझौली बैंक्स हो या फिर हैवी वेट बैंकिंग स्पेस हो, इस वक्त हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। Q3 नतीजे इंडसइंड बैंक के हर्ष अनुमान लेकर हमारे साथ मौजूद है। हर्ष, आप बताएं इंडसइंड बैंक के नंबर्स से उम्मीदें क्या लगाएं? जी हाँ, अब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इंडसइंड बैंक का वो आएगा 4500 करोड़ के आसपास, 18.5% एक अच्छा बाउंस दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3700 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा, अब वो 11.5% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रोविजनिंग लार्जली फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो, और इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखाता हुआ 1100 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर है एक्सपेक्टेड। तो 4% डी ग्रोथ आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कम होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पैट 1950 करोड़ पे आएगा, स्लाइटली हायर, और वो एक 57% जंप दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब GNPA NNPA का ट्रेंड देखे तो लार्जली इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखेगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। पर जो निम का नंबर है वो एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा। एब्सोल्युटली हर्ष, थैंक्स फॉर दैट। तो NPS जो है वो अनुमान के मुताबिक रहेंगे और मार्जिन्स में दबाव की आशंका है। अब आप बताइए अमित, प्राइवेट बैंक स्पेस में कैसा आउटलुक है आपका, इंडसइंड बैंक या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक स्पेस पर अगर आप अपनी राय रखना चाहें? हमारा एक बहुत ही बुलिश स्टैंड रहा है लास्ट ईयर से और वो अभी भी कंटिन्यूड है। मुझे ऐसा मानना है कि बहुत सालों के बाद हमें बैंक्स में इतनी हेल्दी ट्रेंड्स, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, और जो सबसे बड़ा पॉजिटिविटी मुझे दिखा वो ये है कि अब क्रेडिट एपेटाइट क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस बात को लेके मुझे जरूर कुछ थोड़े से नियर टर्म कंसर्न्स है कि ये जो मार्जिन्स हम देख रहे हैं बैंक्स में इस क्वार्टर में जो देखेंगे वो शायद पीक निम्स हो सकते हैं। तो निम्स में थोड़ा सा करेक्शन आए, मुझे इस चीज का कोई नेगेटिविटी नहीं मानूंगा मैं इस चीज की, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जब तक अच्छी रहेगी, ऑपरेटिंग लेवरेज, और दूसरी बात की इंटरेस्ट रेट साइकिल जो कि लाइकली पीक हो जाएगा, तो उसके बाद ट्रेजरी लेवल पे भी जो इम्पैक्ट नेगेटिव दिख रहा था वो भी शायद नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो बैंक्स को लेके हम लोग काफी बुलिश है। प्राइवेट बैंक्स में हमारा स्टैंड बहुत बुलिश रहा है, वो अभी भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस समय PSU स्टॉक्स, PSU बैंक्स इन पर्टिकुलर, जिसमें हमने SBI को एज अ टॉप पिक हाईलाइट किया है पिछले कुछ क्वार्टर से,
उसमें भी बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिलेगा, बिकॉज जब बहुत सारे पीएसयू बैंक पिछले बहुत सालों से एक डिफरेंट फेज में अपनी बैलेंस शीट रिपेयर में थे, तो एसबीआई तो ऑब्वियस उसमें हेल्दीएस्ट था ही था, लेकिन बाकी भी पीएसयू स्टॉक्स को देखने का समय अभी भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 12 से 18 महीने इनमें काफी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ का विजिबिलिटी दिखाई देता है। ये बताइए अमित, मैं आपसे एक डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो है एचडीएफसी बैंक पे। अगर मैं लास्ट 2 साल का डेटा देखूं, एचडीएफसी बैंक के सारे डेटा पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं। स्टॉक अभी तो खैर ठीक है, 13-1400 वाला 1600 आ गया। मैं एचडीएफसी बैंक, हमारे बहुत सारे यू नो ट्विटर पे फॉलोअर्स, हमारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं अक्सर, सर एचडीएफसी बैंक 2 साल से लेके बैठे अभी तक चला नहीं। एक मैं डेटा पॉइंट्स, 2-4 डेटा पॉइंट्स आपको रखता हूँ टेबल पे, फिर आप बताइएगा कि ये कब चलेगा। हर्ष बताइए। अब एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 2 साल से कुछ नहीं किया, तो क्या 2023 होगा वो साल जहां पे एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म करता है? और हम देखते हैं कि ये जो 2 साल में कुछ नहीं किया एचडीएफसी बैंक ने, तो उनके नंबर्स कैसे स्टैक अप होते हैं? जो कि उनका लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 40% से इंक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ पे था, आज 15 लाख करोड़ प्लस पे है। उनका जो डिपॉजिट बुक है वो भी 36% से ग्रो हुआ है। जब हम उनका NII देखें 41% से ग्रो हुआ है, और उनका PAT भी ऑलमोस्ट 40% से ग्रो हुआ है लास्ट 2 साल में। पर स्टॉक प्राइस फ्लैट 2 साल में, फेबररी 2021 से लेके जनवरी 2023 तक। तो अब ये सवाल उठता है कि उनके वैल्यूएशंस कैसे रहे, क्या तब ओवर वैल्यूड था? तो देखते हैं कि प्राइस टू बुक तब फेबररी 2021 में प्राइस टू बुक अराउंड 4.4 टाइम्स पे था, और जो लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक रहा है वो 4.5 रहा है। अमित ये बताइए कि ये जो प्राइस करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन एचडीएफसी बैंक ने देखा है, और इस वक्त के दौरान जिस हिसाब से उसके नंबर्स इंप्रूव हैं, क्या ये एक कैंडिडेट बन रहा है जहां पे फेयर वैल्यू जोन में आ गया है, या अभी ये ट्रिकी है और आप कुछ और टाइम डेटा पॉइंट्स और देखना चाहेंगे उससे पहले बैट लेंगे? यह बहुत ही एक रेलेवेंट आपने एनालिसिस करके दिखाया। वेरी क्लियरली एक टाइम करेक्शन भी था और उसमें वैल्यूएशन का थोड़ा सा डीरेटिंग भी था, और अब एक चीज का, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था जो आपने 2021 का डेटा दिखाया, उस कैलेंडर ईयर में अगर आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही म्यूटेड था, वो क्रेडिट ग्रोथ अब स्टार्ट हुआ है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर पिछले 3 क्वार्टर से इस बैंक में जो एक ओवरहैंग रहा है वो है मर्जर को लेकर एचडीएफसी लिमिटेड के साथ। अगर आपको ध्यान हो कि अप्रैल फर्स्ट वीक लास्ट ईयर 2022 में मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ था, और उसको लेकर बहुत सारी चीजें अभी आज भी क्लियर नहीं है कि बैंक को, मर्ज एंटिटी को क्या आरबीआई कुछ छूट देगा, कुछ रियायत देगा रेशियोज को लेकर। अगर आप देखें कि लेटेस्ट कॉल कॉल में भी कंपनी ने इस चीज का अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने इस बारे में अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा मानना है कि ये जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, थोड़ा सा इस बैंक में आपको एक म्यूटेड परफॉर्मेंस दिखेगा। जैसे ये चीजें क्लियर होंगी और मर्जर की सिनर्जीज जो कि बहुत ही मैसिव हो सकती है इस केस में, आपको एक बार मैं आंकड़ा दूं, अगर आप 12,000 करोड़ का प्रॉफिट इसमें मान के चलते हैं एक बेस केस, तो एनुलाइज यू आर लुकिंग एट 47-48,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी लिमिटेड के प्रॉफिट के साथ आप इसका जो साइज अगर आप कभी एस्टिमेट करने का कोशिश करें, और अगर वो एक नॉमिनल जीडीपी पे ग्रोथ होता है, तो यार हमें बहुत बड़ी एंटिटी का फॉर्मेशन करने का देखने का हमारे को मौका मिलेगा, एंड इवेंचुअली उसके रिटर्न्स भी कमेंसरेट आएंगे। हाँ, अब अगर इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन जो कि लॉन्ग टर्म एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ 18-19% सीएजीआर रहा है एज ए शेयर, वो आएगा कि नहीं आएगा, साइज के साथ वो थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, लेकिन मेरा ऐसा पूरा मानना है, एचडीएफसी बैंक में मेरा पहले भी ऐसा पब्लिक स्टैंड रहा है कि इवेंचुअली परफॉर्मेंस दिखाई देगी। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर म्यूटेड रहे, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ऐसा मानता हूं कि वो परफॉर्मेंस कैचअप कर जाएगा। ओके अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी उम्मीद करते हैं आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए ईटी न्यूज़ विदेश को सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।